इस वक्त हम आरसपुरा से बाहर जम्मू जाने वाले मेन रोड पर हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि रोड के ऊपर कितना अंधेरा है, सिर्फ गाड़ियां दिख रही हैं जो बिना किसी नियम के दोनों साइड से चल रही हैं। ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है, वन वे होना चाहिए, जिस कारण अक्सर जहां पर एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। इस अंधेरे में आप देख सकते हो, आपको पता नहीं चलेगा कि वन वे कहाँ है, किस साइड से गाड़ियों का आना है, आना जाना कहाँ है, और जहाँ पे रास्ते में अचानक कहाँ से डिवाइडर स्टार्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। और रात को अक्सर गाड़ियां डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाती है। कई गाड़ियों के एक्सीडेंट पिछले 15 दिनों में या महीने में कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह की लाइट जहां पर पड़ती है। और क्या ये साइन जो लगा रखा है कितना सिक्योर है लोगों के लिए, ये डिवाइडर कितना खतरनाक है और मौत का कारण बना हुआ है ये डिवाइडर। लाइट नहीं होने की वजह से मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, जहां पे खड़े होना भी बहुत ही ज्यादा रिस्की है। कोई भी स्पीड से गाड़ी आएगी और ये जो साइन लगा रखा है कितना लोगों को दिखता है। अभी पिछले 2 दिनों में करीब 4 गाड़ियों के एक्सीडेंट जहां पे हो गए हैं। अभी एक हफ्ते में 2 एक्सीडेंट इसी जगह पे हुए हैं और एक जो गाड़ी है वो इस डिवाइडर से हिट करके ऊपर चली गई थी कल रात को। अभी हम ये गाड़ियों की लाइट की वजह से हम आपको दिखा पा रहे हैं कि ये डिवाइडर बिल्कुल खत्म हो चुका है। कब गाड़ी इसके ऊपर चढ़ जाती है पता ही नहीं चलता है। हम सभी आने जाने वाले जम्मू से आरसपुरा जाने वाले लोगों से यही अपील करते हैं कि वो थोड़ा ध्यानपूर्वक चलें, क्योंकि ये डिवाइडर मौत का डिवाइडर बन चुका है। और सेफ्टी आप लोगों को खुद भी यहाँ पे प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि जब आप गेगियां क्रॉस या चौहाला मोड़ क्रॉस करते हैं तो ये जो पहला डिवाइडर आता है इसकी तरफ थोड़ा ध्यान से जहाँ से निकले, क्योंकि कब ये डिवाइडर स्टार्ट होगा आपको पता ही नहीं चलेगा और गाड़ियां अक्सर इस डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाती हैं। बाद में आपको 50 किस्म की फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ेगा, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया MLC केस बनेगा, आप लोग भी फ्रैक्चर होंगे, आपकी गाड़ी का नुकसान होगा, पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आप देख सकते हो अंधेरे में इस डिवाइडर की क्या हालत है, कब गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई, आपका परिवार उस गाड़ी में हो सकता है। सतर्क रहें।